वेलकम टू एएससी मास्टरमाइंड। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में खाली स्थान भी पूछे जाते हैं, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू, तो इन सभी को मिलाकर पूछा जाता है। तो हम इसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर सेकंड अच्छे से पढ़ा होगा तो अपनी नॉलेज यहाँ टेस्ट कीजिए, और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और सेकंड चैप्टर पढ़िए और फिर आ जाइए देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी और खरुष्टि लिपि का अर्थ निकाला था किसने, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आंसर जो है मन में सोचिए, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताने ही वाला हूँ। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है कि ब्राह्मी और खरुष्टि लिपि का अर्थ जॉन मार्शल ने निकाला था, बी जेम्स प्रिंसेप निकाला था, या सी रखालदास बनर्जी ने निकाला था, या डी ए और बी, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरुष्टि लिपि का अर्थ निकाला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म, ठीक है, इनके ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है, यानी कितने महाजनपद हमने पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर में। तो बहुत ईजी है, आपके सामने ऑप्शन है ए 17, बी 16, सी 24, या डी 40। तो अगर आपने सोच लिया है तो देखिए, अगर आपने 16 सोचा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इसमें कितने महाजनपद का उल्लेख है, तो 16 महाजनपद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में डैश महाजनपद, ठीक है, डैश सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, यानी कौन सा महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। तो याद हो आपको तो ये है मगध, ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजगाह का शाब्दिक अर्थ है क्या, ठीक है, राजगाह जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप सोचिए जल्दी से, राजा का घर होता है इसका अर्थ, या राजा का राज्य, या राजा का शासन, या फिर कोई नहीं इनमें से। तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, ठीक है, इसका अर्थ होता है, राजगाह का अर्थ होता है राजा का घर, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक डैश थे। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, ओके। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत नहीं है, यानी आपके सामने ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में नहीं पता चलता है, या मौर्य साम्राज्य के स्रोत में नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए मूर्तिकला से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में नहीं पता चलता, अर्थशास्त्र से नहीं पता चलता, इंडिका पुस्तक से नहीं पता चलता, या लेप चित्र से नहीं पता चलता। तो देखिए, अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए कि मूर्तिकला से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र से भी जिन्हें कौटिल्य ने लिखा था, इंडिका पुस्तक से भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन लेप चित्र का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। लेप चित्र को इंग्लिश में पेंटिंग कहते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धम्म का प्रचार कौन से शासक ने किया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, आपके सामने ऑप्शन देखिए क्या है, ए सम्राट अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी समुद्रगुप्त ने, या डी सातवाहन ने, यानी इनमें से किस शासक ने धम्म का प्रचार किया था। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ए आंसर तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है, सम्राट अशोक जो है वो धम्म का प्रचार इन्होंने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म के प्रचार के लिए डैश नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, यानी धम्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, तो उस अधिकारी का नाम क्या था। अगर आपको याद हो तो महामात्य, ठीक है, महामात्य कहा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगवाई, यानी अगर उनका नाम था तो उससे पहले उन्होंने क्या, देवपुत्र, ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया, नाम के आगे अपने देवपुत्र लगाया, तो वो कौन से शासक थे। आपके सामने ऑप्शन है ए शक शासक, बी अशोक, सी कुषाण शासक, डी सातवाहन शासक। तो अगर आपका आंसर है सी कुषाण तो बिल्कुल सही है, ये जो थे कुषाण शासक, इन्होंने ही देवपुत्र की उपाधि अपने नाम के आगे लगवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना डैश ने समुद्रगुप्त शासक के लिए किया था, यानी इलाहाबाद स्तंभ जो है वो जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, उसकी रचना किसने की थी। तो अगर आपको नाम अच्छे से याद हो
तो हरिशयन, ठीक है, हरिशयन ने समुद्रगुप्त शासक की प्रशंसा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र डैश शासक की जीवनी है तथा इसके लेखक डैश थे। तो हर्षचरित्र जो है बहुत रिलेट कर पाएंगे आप आसानी से, हर्षचरित्र के जो जीवनी है वो किन की है, हर्षवर्धन की, ठीक है, हर्षचरित्र हर्षवर्धन, ठीक है, क्लियर है। तथा इसके लेखक कौन थे, तो बाण भट्ट, ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे देखिए, अग्रहार का अर्थ क्या है, यानी आपके सामने ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा अर्थ मैच खाता है, अग्रहार का अर्थ क्या है। तो ए ब्राह्मणों को दान की गई भूमि, या बी ब्राह्मणों को दान किया गया अनाज, या सी ब्राह्मणों से लिया गया कर, या डी उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए अग्रहार का अर्थ बहुत ही सिंपल है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है, ये जो है ए ब्राह्मणों को दान की गई भूमि, ये अग्रहार है, ठीक है, इसे अग्रहार कहा जाता था। बुक के जो है पिंक बॉक्स में आपको दिख जाएगा, ये पिंक सा बॉक्स होता है हर साइड पे पेजेस पे, तो वहां पर जो है अग्रहार के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, कि उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को, यानी इसके यूनियन को, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं श्रेणी, ठीक है, इसे श्रेणी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे, यानी सबसे पहले सोने के वो भी सिक्के किसने जारी किए थे। तो आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, ए शक शासक ने, बी सम्राट अशोक ने, सी कुषाण शासक ने, या डी समुद्रगुप्त ने। तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो सिक्के जो है सोने के सबसे पहले कुषाण शासक ने जारी किए थे, और अगर आपने ये चुना है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए अर्थशास्त्र के लेखक हर्षवर्धन थे, ये सत्य सत्य पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक हर्षवर्धन थे, तो आपको ये बताना है। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये कौटिल्य थे, ठीक है, कौटिल्य यानी चाणक्य जो भी कहें आप, ये इनका अलग अलग नाम है, तो अर्थशास्त्र के लेखक वो थे। तो ये जो है यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है, अर्थशास्त्र के लेखक हर्षवर्धन नहीं थे, ठीक है, लेखक कौन थे, तो कौटिल्य, क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कि 16th क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीस थे, यानी यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक क्या मेगास्थनीस थे, सत्य है या असत्य है। तो बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज ही थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि शासक की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के सबसे पहले डैश शासक ने जारी किए थे, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि एक सिक्का है उसमें क्या है कि शासक की आकृति बनी हुई है उसमें, ठीक है। अब इस तरह के जो सिक्के हैं वो कौन से शासक ने जारी किए थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर आपको याद हो तो इसे जो है शुरू किया था हिंद यूनानी ने, ठीक है, शासक ने, इन्होंने ही क्या किया था, अपनी प्रतिमा और नाम वाले सिक्के सबसे पहले जारी किए थे, क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि मुद्रा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी आपके सामने ये जो ऑप्शन है इनमें से मुद्रा शास्त्र का अर्थ क्या है, ठीक है। तो सिक्कों का अध्ययन करना, सिक्के बनाने की तकनीक, सिक्के संबंधित पुस्तक, उपरोक्त कोई नहीं। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा मुद्रा शास्त्र का अर्थ है सिक्के, सिक्कों का अध्ययन करना, ठीक है, सिक्कों का अध्ययन करना मतलब इसमें क्या अध्ययन करते हैं, तो सिक्के के जो लिपि है, सिक्के किस चीज़ से बने हैं, ठीक है, क्या समय निर्धारण है इसका, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है सिक्कों के बारे में, ठीक है। तो ये सिक्कों का अध्ययन ही कहलाता है मुद्रा शास्त्र, क्लियर है। आगे देखिए गुप्त शासक की जानकारी के स्रोत, यानी जो गुप्त शासक थे, ठीक है, गुप्त वंश के शासक, उनके बारे में हमें जानकारी किन माध्यमों से मिलती है, किन सोर्स से, किन स्रोतों से। तो देखिए आपके सामने है, ए सिक्कों से, बी मूर्तिकला से, सी अभिलेख से, डी उपरोक्त सभी से। तो देखिए इसका भी आंसर बहुत इजी है, ठीक है, और ये है उपरोक्त सभी, ठीक है, अभिलेख, मूर्तिकला, सिक्के, ये तो कॉमन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देवनाम पिए का अर्थ क्या है। अगर आपको याद हो तो देवनाम पिए जो है, ये शब्द जो है सम्राट अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, तो देवनाम पिए का अर्थ है देवताओं का प्रिय, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए पियदसी का अर्थ, पियदसी भी, ये भी शब्द जो है अशोक सम्राट के लिए इस्तेमाल हुआ था, तो पियदसी का अर्थ है दिखने में सुंदर, यानी वो जो अच्छा दिखते थे, सुंदर दिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं है, आपके सामने ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो अगर आपको पता हो, देखिए मगध तो महाजनपद था, पांचाल भी था, अवंती भी था, यानी महास्थान नहीं था,
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या था, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त डैश शासक की पुत्री थी, यानी अब ये पूछा जा रहा है कि प्रभावती गुप्त के पिता का क्या नाम था, प्रभावती गुप्त जो है वो किन की पुत्री थी। तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ये। ठीक है, इन्होंने भूमि दान किया था, ठीक है, याद है आपको। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पेरिप्लस का शाब्दिक अर्थ है समुद्री यात्री। ठीक है, यहाँ पर सत्य असत्य पूछा जा रहा है कि क्या पेरिप्लस का शाब्दिक अर्थ समुद्री यात्री है, सत्य है या असत्य है। तो ये जो है सत्य है। ठीक है, अगर आप बुक एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में 44वां या 45वां पेज नंबर है, ठीक है, तो उसके बॉटम में आपको दिख जाएगा ये पेरिप्लस शब्द। ठीक है, तो इसके इसका अर्थ क्या है, समुद्री यात्री। क्लियर है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलेख का अर्थ क्या है, तो ये जो है शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट 1 मार्क्स का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण, ठीक है, उत्कीर्ण यानी खुदे हुए अक्षर को अभिलेख कहते हैं। क्लियर है, यानी एक जो है पत्थर ले लिया, उस पर खुदेर खुदेर कर क्या किया, शब्द लिखे गए। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया, अभिलेख। ये क्लियर है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट, दक्षिण के सरदार का पद केवल वंशानुगत होता था, ये स्टेटमेंट है, क्या ये सत्य है या असत्य है। यानी दक्षिण के सरदार का पद केवल वंशानुगत ही होता था, तो हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, असत्य है। ठीक है, ये असत्य है, वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, ऐसा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन कहता है कि धम्म के प्रचार में निम्न में से कौन सा मूल्य शामिल नहीं है। ठीक है, यानी ये पूछ रहे हैं कि धम्म के प्रचार में आपके सामने ये जो ऑप्शन है, ये अब देखिए, इनमें से कौन सा धम्म के प्रचार में शामिल नहीं था, कौन सा विचार धम्म के प्रचार में शामिल नहीं था। तो इसमें क्या था, बड़ों के प्रति आदर करना, दूसरों के धर्म का आदर करना, सेवकों के साथ उदार व्यवहार, डी गृह त्याग करना। अब देखिए, इनमें से कौन सा धम्म के प्रचार में शामिल नहीं था, कौन सी बात नहीं शामिल थी। तो अगर आपने डी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है कि गृह त्याग जो है वो धम्म के प्रचार में शामिल नहीं था। ठीक है, ये बात उसमें शामिल नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक डैश के पौत्र थे। अब अगर आपको याद हो कि सम्राट अशोक किसके पौत्र थे, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप जो है सेकंड चैप्टर जो आपको बताया गया है उसे ज़रूर देखें, उसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हमारा ज़रूर देखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 क्वेश्चन कहता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उपज के तरीके कौन कौन से थे, उपज बढ़ाने के तरीके। तो देखिए, फाल वाले हल का प्रयोग करना, कुओं और तालाब का प्रयोग करना, सी ए और बी, या डी उपरोक्त कोई नहीं। अब ये पूछा जा रहा है कि उपज बढ़ाने के कौन से तरीके थे इनमें से। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ईजी है और आपने तो पहले ही पकड़ लिया होगा इस आंसर को, कि ये जो है आंसर सी है। ठीक है, इसका आंसर सी है, फल वाले हल का प्रयोग भी किया जाता था और कुओं और तालाब का प्रयोग, तो इसका आंसर सी है, जिसमें ए और बी इंक्लूड है। ठीक है, ये तो आसान था। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।